देश में मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मनाया जाएगा। ये बात भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयुष मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कही। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक प्रतियोगिता की घोषणा करने के बाद लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है। The contest, it nudges and encourages and motivates people to explore the transformatory impact of yoga and also to express it. It is being run, as already announced by ICCR and Ministry of Ayush. We have put it in three categories. In fact, it is 3 into 2, male and female separate, so total of 6 categories. Youth, as is internationally done, below 18 years, one category of youth. Then above 18 years, adults and yoga profession. भारत के प्रतिभागियों को प्रत्येक श्रेणी में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वालों को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि वैश्विक पुरस्कार 2,500, 1,500 और $1,000 के होंगे।